आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अगर तू अपनी मंजिल पाए बिना वापस लौटा तो तेरा नहीं मेरा अपमान होगा, मेरी ममता का अपमान होगा। आज तेरे बाबा ने तुझसे एक सवाल पूछ दिया कि तू खुद क्या है, तेरे नाम का मतलब क्या है, क्या हैसियत है तेरी। उन्होंने ये सवाल तुझसे नहीं मेरी कोख से पूछे, मेरी ममता से पूछे। कल रात को पापा और दादा में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। चीज कहते थे कि तानी तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि अनु घर छोड़ के चला गया। तानी तू अनि मेरा मन कर रहा है कि इससे मैं तुझे इतना मारूं। अरे बाबा मुझे कल ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ बात तो है जो तू तानी तू कुछ बोली क्यों। अगर तू कुछ बोल देती तो मैं रोक लेती ना अनु को। अरे मैं बोल दी ना तो वो रुक जाता। तू कुछ बोलती क्यों नहीं है मां। उन्होंने वादा लिया था कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊं। हमेशा उसको देना ही सही कहा तूने। वादा मांगा वादा दे दिया। अरे क्या जरूरत थी था वादा देने की। इतनी तेज बारिश हो रही थी कल रात को, पता नहीं कहीं रहने का जगह मिला भी होगा उसको कि नहीं। बारिश में उसका तबीयत खराब हो गया तो कुछ खाना भी खाया होगा कि नहीं। तो नहीं मेरा मन करता है इतना मारो तुझे। अब मैं कहां ढूंढूं अपने औरों को। आई नो अनु जो हुआ बहुत बुरा हुआ मगर तुम खुद पे विश्वास रखो एंड आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। मुझको तो शुरू से ही वो लड़की तानी नहीं अच्छी लगती है और खासकर तुम्हारे लिए। आई मीन कितना फर्क है ना उसमें। हाँ नुपुर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है एज अ लाइफ पार्टनर मगर तानी बहुत फर्क है सूरत में भी और सीरत में भी। सही कहा बहुत फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। नुपुर को सिर्फ अपनी चिंता है और तानी को अपने अलावा हर किसी की चिंता है। नुपुर सेल्फिश है और तानी सेल्फलेस है। नुपुर ने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन तानी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। ये जानते हुए भी कि मैं नुपुर से प्यार करता हूँ, ये जानते हुए भी कि उसे मेरा साथ दे के कुछ नहीं मिलेगा, उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी दोस्ती के लिए किया। नुपुर को पता नहीं होगा कि मेरी हालत क्या है लेकिन तानी मैं दावे के साथ कह सकता हूं रात भर नहीं सोई होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी, सोच रही होगी कि मैं अभी आऊंगा या तभी। तुम कुछ भी कह लो मगर तानी और नुपुर का कोई कंपैरिजन नहीं। सही कहा तानी का कोई कंपैरिजन नहीं। I'm sorry, पार्थ। मैं यहां नहीं रह सकता। जहां पर तानी की इज्जत नहीं है मैं उस घर में नहीं रह सकता। अनुराग अनुराग प्लीज अनुराग जस्ट काम डाउन अनुराग जस्ट स्टॉप प्लीज पार्थ थैंक्स फॉर यस्टरडे अनुराग जस्ट स्टॉप अनुराग क्या जरूरत थी तुम्हें अनुराग से इस तरह बात करने की। मैंने जो भी कहा सच कहा। सच कहा? सच तुम जानती नहीं। तानी के लिए अनुराग का प्यार तुम नहीं समझ पाओ। मेरे घर में रहते हो, मेरा भी हुआ खाना खाते हो, मेरा भी हुआ कपड़ा पहनते हो, मेरा बिजनेस संभालते हो और मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हो। जीरो हो तुम, जीरो। तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से मुझे बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हुआ। जो लोग अपनी जिंदगी बनाते हैं वो दूसरों पे बोझ नहीं होते। चला जाऊंगा माई फर्स्ट, बोलो मत, करके दिखाओ। बेटा नहीं पैदा किया है तुमने, अपने कोख से खोटा सिक्का जमा।
माँ नहीं हूं मैं तेरी माँ, कोई जरूरत नहीं तुझे मुझे माँ कहने की। अगर माँ होती ना तो जरा सा भी दुख होता तो पहले माँ से आके मिलता, माँ के घर आता, उसे पता था कि तुझे क्या तकलीफ। लेकिन नहीं, तू तो माँ से मिला ही नहीं, इधर उधर भटकने के लिए घर से निकल पड़ा। जिसे मैं तेरी माँ ही नहीं। माँ मैं जानता हूँ कि मुझे इस हाल में देख के आपको बहुत दुख होता, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था। इतना बड़ा हो गया ना तू कि अभी मेरे दुख के बारे में सोचने लगे। बचपन में इतना सा चोट लगता था तो भाग कर आ जाता था माँ के पास कि माँ चोट लगा, नीलू की शिकायत करनी होती थी। तानी तुझे 99 केजीस बोल रही है उसकी शिकायत लेके, रो भी तुझे, अनन्या ने कुछ कहा तब तो तूने एक बार भी नहीं सोचा कि माँ को तकलीफ होगी। तब तो तू हमेशा मेरे पास दौड़ा चला आता था। अभी बहुत बड़ा हो गया ना तू, चल अभी घर चल, चल। नहीं माँ, मैं जब तक अपने आप को साबित नहीं करते था मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। अरे बाबा, तेरे घर जाने की बात नहीं कर, क्या मैं तुझे जानती नहीं हूँ? बचपन से कितना जिद्दी है तू, जब तक अपने बाबा को ये नहीं दिखाएगा कि तू अपना बलबूते पे सब कुछ कर सकता है तब तक वहां नहीं जाएगा। लेकिन मेरे घर तो चल सकता है ना, चलेगा ना तू? माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? अरे तू कहाँ होता है किसान, जब दुखी होता है तो कौन सा बेंच पे बैठता है, कहाँ जाकर छुप जाता है? ये सब मेरे घर में कोई है ना जिसे सब पता है, वो ही लेकर आए हैं मुझे यहाँ पर। कहाँ है? माँ अगर आप मुझे वापस घर ले जाने आई तो मैं वापस घर नहीं आऊंगा। मैं तो तुझसे ये कहने आई थी कि अगर तू अपनी मंजिल पाए बिना वापस लौटा तो तेरा नहीं मेरा अपमान होगा, मेरी ममता का अपमान होगा। आज तेरे बाबा ने तुझसे एक सवाल पूछ दिया कि तू खुद क्या है, तेरे नाम का मतलब क्या है, क्या हैसियत है तेरी। उन्होंने ये सवाल तुझसे नहीं, मेरी कोख से पूछे, मेरी ममता से पूछे। लोग कहते हैं कि बाप का नाम हटने के बाद आदमी कुछ नहीं रहता, जैसे कि माँ की परवरिश, उसकी ममता, उसके संस्कार कुछ मायने ही नहीं रखते। उन्होंने तुझे लोगों की सोच को गलत साबित करना है। तेरे बाबा का नाम हटने के बाद तेरे पास सिर्फ वो है जो मैंने तुझे दिया है, खुद पर विश्वास, मेहनत, ईमानदारी और कुछ कर गुजरने की हिम्मत। जाओ जाओ और अपने बाबा के सवालों का जवाब लेकर आओ, और अगर नहीं ला पाया तो वापस लौट कर मत आना। बाईस साल पहले जब हम इस शहर में आए थे कुछ नहीं था हमारे पास। पहले 3-4 साल तक तो दिवाली के दिए जलाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज गांगुली सदन रोशन है। जिन रास्तों ने तेरे बाबा की तरक्की देखी उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा, वही रास्ते तुझे भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तेरे बाबा से कई आगे। जिस तरह मैंने तेरे बाबा का साथ निभाया तुझे भी ओनू का साथ निभाना है।
एक बार अनु का विश्वास कम हो सकता है, लेकिन तू अपना विश्वास कम मत होने देना, क्योंकि अगर तू टूट गई तो अनु भी टूट जाएगा। इतना कर सकती है मेरे लिए, साथ देगी मेरे अनु का? हाँ माँ। मैं अनु का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं।